वर्स्ट केस में वही रहेगा, मतलब अच्छा केस होगा कि कोरोना खत्म हो जाएगा, और एग्जाम का वर्स्ट केस होगा कि वो जनवरी में ही हो जाएगा, राइट। तो उस केस में मैं मान के चलता हूं कि अगर आपका अक्टूबर नवंबर तक खत्म होता है सिलेबस क्लास ट्वेल्थ का एटलीस्ट, तो आप एक बार के लिए बोर्ड के टेंशन से फ्री हो जाओगे। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्लास ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अभी क्लास ट्वेल्थ में आए हैं, उनको किस तरीके से इस साल को पढ़ाई में बिताना चाहिए और किस तरीके से अपने सिलेबस को किस टाइम पे कवर करना चाहिए, किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। तो कल ही अपने चैनल पे किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर मैं अब क्लास ट्वेल्थ में आ गया हूँ, तो एक वीडियो बना के बताइए कि किस तरीके से आप स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और बाकी सारे स्टूडेंट्स जो इस सेम सिचुएशन में, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या चीज़ है, क्या क्या गलतियाँ बच्चे करते हैं जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो सालों के एक्सपीरियंस के बाद में समझ में आया कि क्लास ट्वेल्थ में जब बच्चे आते हैं तो सबसे बड़ी जो गलती होती है वो होती है उनकी स्पीड के वजह से, मतलब कि जिस स्पीड से वो पढ़ रहे होते हैं उस स्पीड में जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब कि स्टूडेंट्स अपना सिलेबस को कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आपका क्लास ट्वेल्थ और आपकी जो आगे की जेई की जर्नी होगी, नीट की जर्नी होगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी जाएगी और काफ़ी हाई चांसेस बन जाएंगे कि आपको आगे ड्रॉप लेना ना पड़े। काफ़ी सारे बच्चे जब ट्वेल्थ में आते हैं तो इस चीज़ से घबराते हैं कि कहीं उनको ड्रॉप ना लेना पड़ जाए, कहीं उनका साल बर्बाद ना हो जाए, उनको जेई के लिए वापस से एक साल और ना आगे देने पड़ जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक ही तरीका है ये कि आप अपना सिलेबस को दिवाली तक कंप्लीट कर लो। मतलब अभी अप्रैल है, अभी आपका अप्रैल है, ठीक है, अभी आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपका अप्रैल है, और मैं चाहता हूं कि आप अप्रैल से लेकर के दिवाली जब भी आपकी आती है अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो 6 महीने आपके पास में है दिवाली तक, जब भी आपकी दिवाली आती है, ठीक है। दिवाली के टाइम पे क्या होता है ना, जो भी आप कोचिंग वगैरह में एडमिशन लिए हुए हो वहाँ पर थोड़ी सी छुट्टी मिलती है आपको एक आध हफ्ते की, या फिर आप अगर ऑनलाइन भी पढ़ते हो तो दिवाली के अराउंड जो है क्लासेस वगैरह काफ़ी कम हो जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को, और लगभग 70-75% आपके कोचिंग में भी जो सिलेबस है वो दिवाली तक कंप्लीट हो जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको अच्छे तरीके से एक अच्छी रैंक लानी है, टॉप रैंक लानी है, तो टॉपर्स जो होते हैं वो दिवाली क्या वो बहुत पहले सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं, 11th में खत्म कर चुके होते हैं 12th का भी सिलेबस, लेकिन फिर भी अगर आप उस कैटेगरी में नहीं हो, उस टॉप रैंक वाली कैटेगरी में, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप किसी भी कैटेगरी में हो, भले ही आप बहुत कमजोर स्टूडेंट हो, आपको अपना सिलेबस को दिवाली तक कंप्लीट करना है, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। तो अप्रैल से लेकर के ठीक है, अप्रैल के बाद में मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, लगभग आपके पास में 6-7, जब भी दिवाली रहेगी आप लोग देख लेना, 6-7 महीने आपके पास में रहेंगे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। नाउ यहाँ मैं कौन सी सिलेबस की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं सिर्फ क्लास ट्वेल्थ सिलेबस की बात कर रहा हूँ। अगर आपने क्लास 11th अच्छे से पढ़ रखा है तो भी आपको यही करना है, और अगर आपने क्लास 11th अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो भी आपको यही करना है, ठीक है। अब दिवाली तक सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में, मतलब अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में, अब जो आगे का टाइम आता है वो आपका आता है या तो 11th के जो बैकलॉग्स है आपके उसको कवर अप करना, और अगर 11th के बैकलॉग्स नहीं है तो भी आपको रिवीजन पे आगे का टाइम आपको देना पड़ता है। अब जेई मेन जो है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड एवरीथिंग आपका जो है पैटर्न बड़ा हॉचपॉच हो रखा है, बट अगर 6 महीने बाद मान लो ये सारे पैंडेमिक के सिचुएशन, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, तो आपके जो जेई मेन के 2 अटेम्प्ट्स होते थे, एक आपका जनवरी में होता था, एक आपका अप्रैल में होता था, अगर हम उसको कंसिडर करें, अब मतलब डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या रहेगी, लेकिन वर्स्ट केस में वही रहेगा, मतलब अच्छा केस होगा कि कोरोना खत्म हो जाएगा, और एग्जाम का वर्स्ट केस होगा कि वो जनवरी में ही हो जाएगा, राइट। तो उस केस में मैं मान के चलता हूं कि अगर आपका अक्टूबर नवंबर तक खत्म होता है सिलेबस क्लास ट्वेल्थ का एटलीस्ट, तो आप एक बार के लिए बोर्ड के टेंशन से फ्री हो जाओगे। उसके बाद में आपका जो 11th का बैकलॉग रहता है उसको आपको कवर करने का टाइम रहेगा 2 महीने, ठीक है, और रिवीजन करके आपके जेई मेन के जो जनवरी वाले अटेम्प्ट है उसमें आप अच्छा कर सकते हो। तो ब्लंडर ये होता है, बच्चे सिलेबस दिवाली तक कंप्लीट नहीं करते हैं, बच्चे स्लो चलते हैं और सिलेबस कंप्लीट करते हैं जनवरी फरवरी में जाके। तो उसके वजह से क्या होता है, जो पहला अटेम्प्ट आता है जेई मेन का जो बच्चों का जो फर्स्ट अटेम्प्ट आता है उसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो स्मार्ट होते हैं, जो पहले से सिलेबस कंप्लीट करते हैं, रिवीजन करने का उनको टाइम मिल जाता है, वो इस अटेम्प्ट में अच्छा कर लेते हैं, तो आप ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाते हो, और फिर आपके पास में जो दूसरा अटेम्प्ट बचता है अप्रैल वाला उसमें आपको जोर लगाना पड़ता है। अब इस साल 2021 में 4 जेईई मेन के पेपर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन,
ठीक है, इस सिचुएशन की वजह से चार हो रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि अगले साल भी चार होंगे। तो हम आइडियल दो ही मान के चलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दो ना हो, एक ही हो, कुछ भी हो सकता है। पैटर्न जो है हर साल कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज हो जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, दिवाली तक सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपको देखना है कि 11th के आपके बैकलॉग बच रहे हैं या नहीं। अगर वो बच रहे हैं तो एक डेढ़ महीने आपको उस पर फोकस करना है, और फिर फाइनल रिवीजन टच दे करके आपको, अगर जनवरी में होता है जेई में तो उसकी उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जनवरी में ही ट्राई करना है कि आप अपनी NIT पक्की कर लो, ताकि आप फरवरी से जो है आगे एडवांस्ड के लिए प्रिपरेशन कर पाओ अच्छे तरीके से, एडवांस्ड फोकस प्रिपरेशन, एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस कर पाओ दो तीन महीने, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है टाइम, क्योंकि एडवांस भी कोई हुआ नहीं है, क्योंकि आपको जेई मेन और एडवांस के बीच में, जेई मेन का जो सेकेंड अटैम्प्ट रहता है और जो आपका एडवांस रहता है, इसके बीच में आपको बस एक महीने का टाइम मिलता है, लेकिन वो एक महीने की चीज़ है नहीं। कोई बच्चा अगर स्क्रैच से सोचे कि भाई एक महीने में हो जाएगा, तो बड़ा मुश्किल काम होता है, आपको पहले से करना रहता है। तो ट्राई करो कि जनवरी में आप जेई मेन में NIT पक्की कर लो, उसके बाद में एडवांस के लिए फोकस करना स्टार्ट कर दो। बीच में आपका बोर्ड्स भी आएगा, काफ़ी ज़्यादा लफड़े भी आएंगे, तो इस वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि बोर्ड्स का टेंशन, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, 11th का बैकलॉग ये नहीं हुआ, ऑर्गेनिक नहीं आती, ये नहीं आता, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, दिमाग खराब हो गया, कुछ ना कुछ कारणों के वजह से आपका क्या होता है, अगर आप इस अटेम्प्ट में अच्छा नहीं करते हो तो यहाँ पर जो है दिक्कत कई बार बच्चों को आ जाती है लास्ट मोमेंट में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे बेटर क्लास 12 के लिए क्या है कि सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करो, भले ही आपका बहुत अच्छे से ना हो, 80% अच्छे से हो, लेकिन आप सिलेबस कंप्लीट करो, तो उससे आपका हेडेक खत्म हो जाएगा कि भाई मेरा क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट है, मैंने हर चैप्टर को एक बार पढ़ा है। अब उसके बाद में यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो कुछ भी हॉचपॉच होता भी है तो आपके पास टाइम रहेगा उस चीज़ को मैनेज करने का, ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। और मैक्सिमम क्लास 12th के बच्चे यही गलती करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं दिवाली के बाद और वहाँ पर ब्लंडर शुरू हो जाता है, क्योंकि बोर्ड्स का भी प्रेशर आता है, 11th के बैकलॉग्स, कोचिंग में टेस्ट होते हैं, नंबर कम आते हैं, डिमोटिवेशन होता है, कहाँ से पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, हर चीज़ में पजल हो जाते हैं। और आप में से जितने बच्चे वीडियो देख रहे हो, आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा, तो इसीलिए मैं चाहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन जो बच्चे अभी इस फेज में एंटर कर रहे हैं वो एटलीस्ट इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा सतर्क हो जाएं और जल्दी से अपने सिलेबस को स्पीड में पढ़ना स्टार्ट कर दें, ताकि दिवाली तक आप अपने 12th के सिलेबस को एटलीस्ट कंप्लीट कर पाओ, ताकि बोर्ड्स का टेंशन आपका खत्म हो जाए और जनवरी में भी आप कुछ ठीक ठाक सा कर पाओ, अगर जेई में जनवरी में होता है तो। अगर जनवरी में नहीं होता, उसके बाद होता, तो कोई बात नहीं, और बढ़िया बात है ना अपने लिए, तो फिर समझ में आया आपको। बाकी तो बस यही बात है, आई होप आपको पसंद है कि आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके और इस वीडियो से कुछ सीख सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।